सोलन में कांग्रेस ने रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता सोलन के विधायक धनीराम शौंडिल ने की। शौंडिल ने देश के लिए अपनी जान न्योछावर कर चुके शहीदों के लिए मौन रखा और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वे कई वर्षों तक सेना में रहे और कई लड़ाइयों का हिस्सा भी रहे, लेकिन चीन के सैनिकों ने जिस तरह बर्बरता दिखाई है वह इससे पहले कभी नहीं हुआ, जो चीन की सेना के लिए शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि चीन की इस शर्मनाक हरकत का माकूल जवाब भारत को देना चाहिए ताकि वह भविष्य में ऐसी कायराना हरकत ना कर सके। सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शौंडिल ने कहा कि चीन के सैनिकों द्वारा भारत के सैनिकों के साथ जो बर्बरता की गई है वह जघन्य अपराध है। जिस तरह चीन के सैनिकों ने करुणाहीन बर्ताव किया वह किसी भी देश की सेना के लिए कलंक है। उन्होंने कहा कि आज तक ऐसा बर्ताव किसी भी देश की सेना ने नहीं किया है। इस कृत्य के लिए चीन के सैनिकों के लिए सख्त से सख्त सजा भी बेहद कम है। उन्होंने कहा कि चीनी सैनिकों ने भारत के सैनिकों से जानवरों जैसा व्यवहार कर एक कलंकित अध्याय की शुरुआत की है, जो कि बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि जेनेवा संधि में ये निर्देश है कि अगर घायल दुश्मन पानी की मांग कर रहा है तो उसे पानी देकर राहत पहुंचानी चाहिए, लेकिन चीन ने अपनी सभी हदें लांघ दी और एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया है जो कि माफी के लायक नहीं है। ये तो एक बहुत ही विचित्र और दुखदायक दुर्घटना है। अपने समय का मैं समझता हूँ, मैंने भी 35 वर्ष उस महान आर्मी में सेवा दी है, 3 युद्ध का मैं भी एक पार्टिसिपेंट रहा हूँ, परंतु इस प्रकार की जघन्य घटना, इस प्रकार का मैं समझता हूँ निंदनीय और करुणाहीन बिहेवियर किसी सोल्जर को शोभा नहीं देता, खासकर एक बड़ी ग्रेट आर्मी को शोभा नहीं देता। एक ऐसा अपराध है जिसकी मैं समझता हूँ इस धरती के पटल पर कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाए वो भी कम है। ये एक ऐसा अपराध है जो किसी भी सैनिक को सैनिक के नाम देने में शर्म आएगी और एक सैन्य इतिहास का बड़ा कलंकित चैप्टर लिखा जाएगा, क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन ये कहती है कि अगर हमारा युद्ध करते करते हमारे एनिमी ट्रुपनी अगर हमारी गोली से हिट हो गया, अगर वो पानी मांग रहा है और अगर वो करा रहा है और उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है तो हम पहले उसको दवाई देंगे, उसको ठीक करेंगे, ये जिनेवा कन्वेंशन कहती है। और एक ऐसा निंदनीय अपराध है जो मैं समझता हूँ एज ए सोल्जर आई फील अशेम टू बी पार्ट ऑफ दिस हमारे तो कभी हमारी देश की आर्मी ऐसा कभी करेगी नहीं और ना कभी ऐसा चीज़ हमने सुनी है।